अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, देवरा मूवी का जो रिव्यू करने वाला हूँ। आज 27 सितंबर है और आज सिनेमाघरों में जो मूवी रिलीज हुआ है देवरा, उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा एंड आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताओ और एक लाइक ज़रूर करो मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और पूरा वीडियोस को वॉच ज़रूर करो एंड तक, उसके बाद ही आप लोगों को कमेंट करना, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए देवरा मूवी का जो रिव्यू, अगर मेरे ओर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, मतलब उतना जितना, मतलब ये जो मूवी का टीज़र मतलब इम्प्रेशन दिया था, मतलब हाइप जो बनाया था मूवी का, उतना अच्छा मूवी आप लोगों को नहीं लगेगा। सीधा सीधा बात है, आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे जो इस मूवी का पहले मैं प्लस पॉइंट बता देता हूँ, जो आप लोगों को इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है, और इस मूवी का प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा जो है वो है देवरा कैरेक्टर, ठीक है। देवरा का जो कैरेक्टर है, और आप लोगों को जो फर्स्ट हाफ में जो, मतलब मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सेकंड हाफ के, जो सेकंड हाफ की तुलना में आप लोगों को फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो देवरा का कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। जो देवरा का एंट्री सीन है, और मतलब जो भी देवरा कैरेक्टर का जो भी जितना भी, मतलब एंट्री, जैसे भी मतलब देवरा कैरेक्टर को प्ले किया है, एक्टिंग किया है, बहुत अच्छा से किया है, तो इसलिए आप लोगों को देवरा कैरेक्टर बहुत अच्छा भी लगेगा। और जो एंट्री सीन है देवरा कैरेक्टर का, मतलब एंट्री के टाइम में उतना तो मतलब एक्शन वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा एंट्री है तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब इतना अच्छे से एंट्री नॉर्मल सा अभी तक तो कोई किया नहीं, और फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और अगर इसका नेगेटिव बात करें मूवी का, तो सबसे बड़ी नेगेटिव है सेकंड हाफ मूवी का, ठीक है। मतलब सेकंड हाफ इतना ज़्यादा खींचा है, जो फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी आप लोगों को जो भी बताया गया था देवरा के बारे में, जो कुछ स्टोरी बता रहे थे, वही सेम चलता रहेगा सेकंड हाफ में भी, और वही सेम समुद्र वाला और बाप बेटे की कहानी और फाइट वगैरह, ये सब भी सेम चलता रहेगा। और सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है सेकंड हाफ में जो गाना है, वो बहुत लंबे कर दिया, और मतलब बहुत लंबा खींचने की कोशिश किया। कपूर का भी ज़्यादा रोल नहीं है, लगभग जानवी कपूर का पूरी मूवीज़ में 10 से 15 मिनट होगा ऐसा रोल्स है, और एंड में आप लोगों को ट्विस्ट मिलेगा जो लगभग 10 या 15 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा शायद, और उसके पहले सेकंड हाफ में कोई ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं आएगा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। जो आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी सब ठीक है, और मूवी ठीक ठाक है, जो एक बार देखा जाएगा ऐसा है तो आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हो हॉल में। तो आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताओ, और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।